welcome back to my channel. This is Vishal Rajpurohit. I am your English trainer and today we will discuss an amazing expression feel like. So guys, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर अपकमिंग इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस आपको वीडियो अपलोड करने पर तुरंत मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। गाइज, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है मन कर रहा है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका हमें कभी ना कभी मन करता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो और आपको अचानक कोई आकर उठा दे तो आप उसे बोलते हैं, यार 5 मिनट सोने दे, मेरा बहुत मन कर रहा है सोने का। तो जब भी आपको बोलना है कि मेरा मन कर रहा है तो आप बोल सकते हो फील लाइक। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका मूवी देखने का मन कर रहा है। आप किसी को कहते हो ना अपने फ्रेंड सर्कल में, यार आज तो मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है। और एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका पास्ट में किसी के साथ में कोई कहा सुनी हो गई हो और आप अब उसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे यार मेरा मन तो कर रहा था ना कि उसको एक दो लगा दूं। तो जब भी आप बोलते हो ना यार मेरा मन तो कर रहा था या मेरा मन कर रहा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फील लाइक। इसका मतलब होता है मन कर रहा है, और जब मन कर रहा था तो आई फेल्ट करके आप यूज कर सकते हो। चलिए गाइस, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसकी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में फील को यूज करना है। फील का यूज आप आई वी यू दे के साथ में आप कर सकते हो, फिर उसके बाद में फील्स, या फिर आप फील्स का यूज भी कर सकते हो। फील्स का यूज आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में करना है, ही शी इट या फिर कोई नेम के साथ में, या फिर फेल्ट का यूज करना है। फेल्ट का यूज आप तब करोगे जब आप पास्ट के सेंस की बात कर रहे हो, जब कोई काम पास्ट की बात कर रहे हो तब आप यूज करोगे। फिर उसके बाद में आप लाइक का यूज करो, फिर उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए। फिर से बता देता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर फील, फील्स और फेल्ट, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, सेंटेंस क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। फिर उसके बाद में लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को यूज करना है। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो यहां पर आपको डोंट, डजंट और डिडंट का यहां पर यूज करना है, बाकी जो पूरा रेस्ट सेंटेंस है वो सेम रहेगा। यहां पर आपको इसके यहां पर आपको फील लाइक यूज करना है, फेल्ट की जगह पर भी आपको फील लाइक का ही यूज करना है, क्योंकि जब भी आप डोंट, डज नॉट या फिर आप डिड नॉट का यूज करते हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हो, इसीलिए यहां पर आपको फील लाइक को यूज करना है। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट चलेगा। जब आप इंटरोगेटिव की बात करते हो तब आपको डू, डस और डिड जो हेल्पिंग वर्ब थी उन हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट, फील लाइक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जो रेस्ट सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क गाइस जरूर लगाइए। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क वर्ड यूज ही नहीं करते। क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। चलिए गाइस, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है आई फील लाइक हैविंग टी। आई फील लाइक हैविंग टी, इसका मतलब मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। गाइस, यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी, यहां पर मैंने हैविंग वर्ड यूज किया। गाइस, हैव का यूज आप ईट, टेक और ड्रिंक, इन तीनों की जगह पर आप यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, एडवांस वर्ड है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आई फील लाइक हैविंग टी, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। इसी तरह से जब अगर आपको कहना है कि यार मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है तो आप बोल सकते हो आई फील लाइक हैविंग कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही फील्स लाइक गोइंग आउटसाइड। यहां पर हो गया कि उसका मन कर रहा है बाहर जाने का, ही फील्स लाइक गोइंग आउटसाइड, उसका बाहर जाने का मन कर रहा है। गाइस, यहां पर गोइंग टू आउटसाइड नहीं होगा, क्योंकि गोइंग टू आउटसाइड ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, गोइंग आउटसाइड ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। ही फील्स लाइक गोइंग आउटसाइड, उसका बाहर जाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, आई फेल्ट लाइक मेकिंग अ वीडियो, मेरा एक वीडियो बनाने का मन कर रहा था। फेल्ट यहां पर इसीलिए यूज हुआ क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब भी पास्ट की बात करेंगे तब यहां पर हम फेल्ट का यूज करेंगे। आई फेल्ट लाइक मेकिंग अ वीडियो, मेरा एक वीडियो बनाने का मन कर रहा था। नेक्स्ट टेंस हमारा एग्जांपल देखते हैं, वी फेल्ट लाइक प्लेइंग चेस गेम, हमारा चेस गेम खेलने का मन कर रहा था। तो वी फेल्ट लाइक
प्लेइंग चेस गेम. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं, शी डज नॉट फील लाइक हैविंग समथिंग. उसका कुछ भी खाने का या कुछ भी लेने का मन नहीं कर रहा है. मैंने आपको बताया था हैविंग का यूज हम ईट, टेक और ड्रिंक के तौर पर करते हैं. तो शी डज नॉट फील लाइक हैविंग समथिंग. उसका कुछ भी खाने का मन या कुछ भी लेने का मन नहीं कर रहा है. एक और देखते हैं, यू डिड नॉट फील लाइक स्लीपिंग. तुम्हारा सोने का मन नहीं कर रहा था. यहां पर हमने डिड नॉट यूज किया, इसका मतलब पास की बात हो रही है कि भाई तुम्हारा सोने का मन नहीं कर रहा था. यू डिड नॉट फील लाइक स्लीपिंग. एक और नया एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू फील लाइक गोइंग देयर. गोइंग देयर का मतलब होता है वहां जाना. डू यू फील लाइक गोइंग देयर, क्या तुम्हारा वहां जाने का मन कर रहा है. डू यू फील लाइक गोइंग देयर. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, डिड वी फील लाइक टॉकिंग. क्या हमारा बातचीत करने का मन कर रहा था या हमारा बात करने का मन कर रहा था. तो ये हमारा पास्ट हो गया, इसीलिए यहां पर हमने डिड को यूज किया. तो गाइस आई होप आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा. आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फील लाइक के बारे में बताया, जिसका मतलब होता है मन कर रहा है. सो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइए कि आपका क्या मन कर रहा है इस वीडियो को देखने के बाद में. और गाइस इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.